दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आपके इस चैनल यानी कि मूवीज वक्त में एक बार फिर से। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी कि 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म यानी कि भोला शंकर फिल्म के डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कि इस फिल्म ने जो है एडवांस बुकिंग के अंदर जो है टोटल कितने रुपये की कमाई की थी और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर से जो है एक क्लीन हिट का टैग लेने के लिए जो है टोटल कितने रुपये की है कमाई बॉक्स ऑफिस पर से जो है करनी होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भोला शंकर जिस फिल्म में देखने को मिल रहे हैं मेगा स्टार चिरंजीवी और उनके साथ देखने को मिल रही है तमन्ना भाटिया और कीर्ति सुरेश। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करा है मेहर रमेश ने। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि भोला शंकर फिल्म का जो टोटल बजट है वो रखा गया है लगभग 100 करोड़ रुपए का। और आपको बता दूं कि यह फिल्म जो है तमिल फिल्म यानी कि बेदलम का जो है ऑफिशियल तेलुगु रीमेक है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर इस फिल्म में जो है एक रीमेक फैक्टर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इस फिल्म की जो हाइप है वो तेलुगु ऑडियंस के बीच में जो है थोड़ी कम है। और आपको बता दूं कि जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसे देखने के बाद भी जो है ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो इस फिल्म से जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। इसी के चलते यहां पर जो है इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो लगभग 3,70,00,000 रुपये की हुई है, जो कि मेगा स्टार चिरंजीवी सर की अगर पिछली फिल्मों के एडवांस बुकिंग कलेक्शन को देखें तो जो है काफ़ी कम है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि उसके बाद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर से जो है अपने पहले दिन एक जो है ये कह सकते हैं कि एक डिसेंट स्टार्ट जो है ले रही है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड थिएटर राइट्स हैं यानी कि थिएटर में दिखाने के राइट्स वो जो है लगभग 66 करोड़ रुपये के जो है सोल्ड आउट हुए हैं। यानी कि दोस्तों अगर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक क्लीन हिट का टैग लेना है तो इस फिल्म को कम से भी कम लगभग यहाँ पर जो है 120 करोड़ रुपए का जो है टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो है करना होगा। वहीं लगभग जो है 67 करोड़ रुपए के आसपास का जो है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर सीर कलेक्शन जो है इस फिल्म को करना होगा। और दोस्तों अगर बात करें कि यह फिल्म अपने पहले दिन टोटल जो है कितने रुपए की कमाई कर रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि भोला शंकर फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर से जो है टोटल लगभग जो है 10 करोड़ रुपये का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन, वहीं लगभग जो है 12 करोड़ रुपये का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन और लगभग जो है 14.5 करोड़ रुपए का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो है कर रही है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो कलेक्शन है वो अभी ईयरलिस्ट में टाकड़े हैं, और जैसे जैसे इस फिल्म को आफ्टरनून इवनिंग और नाइट के शोज में यह फिल्म ऑक्यूपेंसी दर्ज करती है, उसके बाद इस फिल्म के पहले दिन का जो कलेक्शन है वो जो है और भी ज़्यादा क्लियर होकर आएगा। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि भोला शंकर फिल्म अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर से जो है टोटल कितने रुपए की कमाई करेगी, साथ ही साथ उस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, ये भी जो हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप आगे भी हमारे चैनल पर जो है भोला शंकर फिल्म का डेली डिवाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हो तो हम और आपके चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।